नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का मल्टी क्राफ्ट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेंच वाइस। लास्ट का टॉपिक आप लोग ने देखा होगा, जो हमने वहां पर वाइस के बारे में डिस्कस किया था। आज उसके जो है टाइप्स जो है उस टाइप्स के बारे में वो लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। आज थोड़ा उसको डिटेल से समझेंगे और उसके कौन कौन सा पार्ट्स किस मटेरियल का बना रहता है वो भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक बने रहिए, तभी आपको यहाँ पर क्लियर होगा। वॉइस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि ये फिटर का मेन टॉपिक माना जाता है। इसको मैंने आपको पहले ही बताया है, ये फिटर का जो है हॉट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो का। सबसे पहले जो है बेंच वाइस का मैंने आपको कल बताया था, आप लोग ध्यान दीजिए। अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो आप लोग जाके वीडियो को देखिए और समझिए उसको। ठीक है, आज जो है हमने क्या किया है, बेंच वाइस को जो है सेक्शनल व्यू किया है। क्या किया है, सेक्शनल व्यू किया है। उसको बीच से काट के मैंने यहाँ पर सेक्शनल व्यू करके आपको यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग ये वीडियो में ये डायग्राम को देख सकते हैं, ये डायग्राम जो है बेंच वाइस का है, जिसको मैंने बीच से काट दिया है, सेक्शनल व्यू दिया है। इसलिए दिया है सेक्शनल व्यू क्योंकि उसके अंदर के पार्ट्स को आप अच्छे से देख सके और उसको अच्छे से समझ सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया है बेंच वाइस का सेक्शनल व्यू, हैचिंग किया हुआ है। तो जहाँ हैचिंग किया हुआ वो क्या है, हैचिंग मतलब क्या है कि वहां पर जो है मटेरियल मेरा कटा हुआ है, इसलिए वहां पर हम हैचिंग कर रहे हैं। वहां पर मेरा सॉलिड मटेरियल जो है कटा हुआ है, वहां पर इसलिए हैचिंग किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर हैचिंग किया है। जहां पर हैचिंग नहीं किया है वो क्या है, होलो पार्ट। ठीक है, अब मैंने ऊपर से पूरा यहाँ पर जो है बेंच वाइस को हाफ में काट के मैंने यहाँ पर आपको दिखा था। सबसे पहला जो है ये मेरा जो है फिक्स जॉ है और ये मेरा जो है मूवेबल जॉ, जैसा कि आपने कल का वीडियो में देखा है होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए, तब ये वीडियो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने सेक्शनल व्यू काटा है, सेक्शनल व्यू में आप देख सकते हैं कि मूवेबल जॉ है ये साइड वाला। ठीक है, मूवेबल जॉ किधर होता है, जहां पर हमने हैंडल लगा हुआ रहता है। ठीक है ना, जहां हमारा हैंडल लगा हुआ रहता है वो मूवेबल जॉ होता है, और फिक्स जो होता है वो उसके अपोजिट में होता है, और वो किसके साथ, वो बेंच में जो है नट बोल्ट के थ्रू जो है कसा हुआ रहता है, फिक्स किया हुआ रहता है। ठीक है ना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं फिक्स। उसके बाद जो है हमारा जॉब के ऊपर साइड में, जॉब के आगे वाला पोजीशन में क्या लगा हुआ रहता है, एक प्लेट लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉब प्लेट। जॉब प्लेट जो है उसके ऊपर में जो है क्रॉस सेक्शन कटा हुआ है। ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन इसलिए कटा हुआ रहता है ताकि वहां से जॉब मेरा स्लिप ना करे। देखिए क्रॉस सेक्शन ऐसा होता है, ये मेरा जॉब प्लेट है। ठीक है, जॉब प्लेट में क्या है, मेरा यहाँ पर इस तरह से क्रॉस सेक्शन किया हुआ रहता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन करने का मतलब यह है कि जॉब मेरा वहां से स्लिप ना करे, ग्रिप बनाए रखे। ठीक है ना, जॉब प्लेट का यही काम होता है कि वो क्या करे, वो ग्रिप बना कर रखे। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब जो हम आएंगे, ये बॉडी है, ये पूरे पार्ट को हम लोग बॉडी बोलते हैं। जो मैंने यहाँ पर दिया है, लिखा हुआ है बॉडी, आप लोग देख सकते हैं। फिर इसमें मैंने आपको कल बताया था नट और बोल्ट के सहायता से कि इसमें स्क्रू और नट का जो है मैकेनिज्म यूज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पर है। ठीक है, और इसके जस्ट बीच में आप देख सकते हैं फिक्स नट है। ठीक है ना, जिसमें ये जो स्क्रू जो है रोटेट करता है। ठीक है ना, मूव करता है। वहां से रोटेट करने के बाद क्या होता है, ये हम लोग यहाँ से रोटेट हैंडल से क्या कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो रहा है, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड हो रहा है। जॉ मेरा जो मूवेबल है वो क्या हो रहा है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गया यहाँ पर मेरा क्लियर। यहाँ पर मैंने हैंडल के थ्रू स्क्रू को घुमा रहा है, यहाँ पर मेरा फिक्स नट है। यहाँ पर मैंने लिखा फिक्स नट को जो हम लोग बॉक्स नट भी बोलते हैं। ठीक है, बॉक्स नट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग जो आएंगे, ये जो मेरा जो स्क्रू है यहाँ तक आएंगे, यहाँ पर एक इसका कॉलर है, स्क्रू का जो ऊपर का जो हेड होता है। ठीक है ना, वो हो गया। उस कॉलर के साथ जो यहाँ पर फिर क्या लगा हुआ रहता है, आपका स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। ठीक है, छोटा सा एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता है वहां पर। स्प्रिंग के बाद जो यहाँ पर आपका स्पिंडल हुआ। ठीक है, स्पिंडल के बाद फिर यहाँ पर मेरा क्या आ गया, हैंडल आ गया। ठीक है, हैंडल आने के बाद यहाँ पर मैंने आपको वन बाय वन सबको आपको पार्ट्स को यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, मूवेबल जॉब,
फिक्स जॉब प्लेट बॉडी स्क्रू फिक्स जिसको हम बॉक्स नट भी बोलते हैं, कॉलर है, स्पिंडल है, हैंडल है, ये इतने जो है पार्ट्स होते हैं आपके बेंच वाइज के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ठीक है। आपका कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, पूछाएगा अभी, ठीक है ना, पूछा भी जाएगा। मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था लास्ट वीडियो में कि जो ये हैंडल का साइज है, वो हैंडल का साइज जो है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने किसी ने कमेंट नहीं किया ना, किसी को लगता पता ही नहीं है, या फिर वीडियो देख ही नहीं रहे, देख भी रहे तो इंटरेस्ट नहीं है, बस देख रहे हैं, तो ठीक है, आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, मे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, और आपका जो ये थ्री का एग्जाम होगा उसमें भी आ सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो हैंडल का जो साइज होता है वो वॉइस का जो नॉमिनल साइज होता है, जॉब का जो नॉमिनल साइज होता है उससे ढाई गुना बड़ा रहता है, ठीक है। अब ये नॉमिनल साइज क्या है, तो अगर हम ये फिक्स मूवेबल जॉब या फिक्स जॉब का जो मेरा ब्रेथ होता है, जो चौड़ाई होता है, उस चौड़ाई से ढाई गुना बड़ा जो है मेरा हैंडल होता है, उस चौड़ाई को ही हम लोग बोलते हैं नॉमिनल साइज, और उससे जो है ढाई गुना बड़ा जो है हमारा ये हैंडल होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा अपने माइंड में, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, आप अगर इंटरव्यू वगैरह कहीं दे रहे हैं तो वहां भी आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका जो जॉ का जो ब्रेस्ट साइज होता है उसको नॉमिनल साइज बोलते हैं, और उसी के साइज के हिसाब से वॉइस हम लोग को मिलता है, ठीक है। अगर सेप एंड साइज का बात करें तो उसी का साइज के हिसाब से हम लोग को मिलता है वॉइस। आप लोग वर्कशॉप में जो नॉमिनल जो यूज करते हैं वो 115 mm का जो साइज होता है, ठीक है ना, वॉइस का, तो उससे जो है ढाई गुना जो है बड़ा होता है आपका हैंडल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने पार्ट्स के बारे में बता दिया, अब दोस्तों मटेरियल का भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि जो जॉब प्लेट है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, बॉक्स नट है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है, मूवेबल जॉ है या फिक्स जॉ है वो किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, तो उसको भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसको समझेंगे। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा बढ़िया से, मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने एक तरफ यहाँ पर लिखा है पार्ट्स, दूसरी तरफ लिखा है मैंने मटेरियल, ठीक है ना। तो पार्ट्स यहाँ पर है, मटेरियल है, पार्ट्स के हिसाब से उसका मटेरियल को मैं बताया। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, फिक्स जॉ, फिक्स जॉ में कहा है मेरा जो फिक्स जॉ, ठीक है ना, फिक्स जॉ है जो वो क्या है मेरा ग्रे कास्ट आयरन का बना हुआ, किसका बना हुआ रहता है दोस्तों, ग्रे कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है, ठीक है। फिक्स जॉ जो है मेरा किसका आयरन बना हुआ रहता है, ग्रे कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है। मूवेबल जॉ जो होता है वो भी हमारा जो है ग्रे कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है, ठीक है। दोनों जो जॉ है हमारा वो किसका बना हुआ रहता है, ग्रे कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है। अगर हम बात करें जॉ प्लेट का, तो जॉ प्लेट जो है हमारा टूल स्टील का बना हुआ रहता है, ठीक है। जॉ प्लेट का अगर हम बात करें तो जॉ प्लेट जो किसका बना हुआ रहता है, जॉ प्लेट जो है हमारा टूल स्टील का बना हुआ रहता है। फिर हम बात करते हैं स्पिंडल, स्पिंडल जो है हमारा किसका बना हुआ रहता है, स्पिंडल का अगर हम बात करें तो स्पिंडल जो है हमारा एमएस मतलब नाइल स्टील का बना हुआ रहता है, ठीक है। स्पिंडल किसका बना हुआ रहता है, नाइल स्टील मटेरियल का बना हुआ रहता है, और हैंडल जो है वो भी जो है नाइल स्टील मटेरियल का बना हुआ रहता है। तो हैंडल और स्पिंडल मैंने यहाँ पर बताया, ये हैंडल है और इसके साथ ये स्पिंडल जो लगा हुआ है, ये क्या है, ये दोनों जो है नाइल स्टील का बना हुआ रहता है। अगर हम बात करें बॉक्स नट का, जिसमें हमारा नट जो फिक्स रहता है, बॉक्स नट जो है हमारा गन मेटल का बना हुआ रहता है, ठीक है दोस्तों। बॉक्स नट जो हमारा क्या होता है, गन मेटल का बना हुआ रहता है। और ये जो बॉक्स नट का जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है, कभी आपसे पूछ देगा इंटरवल हो या फिर कई एग्जाम में आपसे ये जरूर पूछा जाता है कि जो बॉक्स नट है वो किस मटेरियल का बना हुआ रहता है। तो बॉक्स नट जो है हमारा वो गन मटेरियल का बना हुआ रहता है, गन मेटल का बना हुआ रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पार्ट्स के हिसाब से उसका मटेरियल को भी बताया है, और मैंने यहाँ पर वॉइस को जो है सेक्शनल व्यू दे के पार्ट्स को आपको समझाने का कोशिश भी किया हूँ। सेक्शनल व्यू अगर आप इंजीनियर ड्राइंग कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा सेक्शनल व्यू होता क्या है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आपको हो जाएगा कुछ दिन में पता। तो ये जो है सेक्शनल व्यू है, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से एक एक पार्ट को यहाँ पर डिटेल दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो था ये बेंच वॉइस का ओवरऑल व्यू था। लास्ट का वीडियो देखिए, आज का वीडियो देखिए, आपका जो है बेंच वाइज जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहीं से भी कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा आप इजिली उसका आंसर कर सकते हैं, अगर आपने इस वीडियो को बढ़िया से देखा होगा, ठीक है। अब इस फिगर को और इस जो पार्ट्स ऑफ मटेरियल है इसको कॉपी में राइट डाउन करो, उसको अच्छे से लिखिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला जो लास्ट जो वीडियो था उसको भी अच्छे से लिखो,
ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसके और टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज तो हमने बात कर लिया बेंच वाइज के बारे में, कल जो हम बात करेंगे बेंच वाइज का भी अपना एक टाइप्स होता है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करके फिर हम लोग किस पे जाएंगे, मशीन वाइज पे जाएंगे, मशीन वाइज को फिर क्लियर करेंगे। दोस्तों आई होप कि आपका वीडियो जो है, आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो है जब भी नेक्स्ट वीडियो आपका बने तो आपको अपने बेल आइकन के थ्रू जो है आसानी से मिल सके। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए।